नमस्कार, जय श्री राम, जय माता के मित्रों। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस दिवाली पर अपने शत्रुओं को सबक सिखाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। आज मैं आपको दुश्मन को बर्बाद करने का एक बहुत ही प्रचंड प्रयोग बताने जा रहा हूं, जिस प्रयोग को आप इस दिवाली की रात्रि को कर दें तो आपके दुश्मन का ऐसा बैंड बजेगा कि वो जिंदगी में याद रखेगा। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपका कोई भी शत्रु आपको बिना वजह परेशान कर रहा हो, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं दो दिन से लगातार अपने चैनल पर वीडियो डाल रहा हूं, जो कि कई ऐसे दुष्ट जन हैं जो कि बिना मतलब के, बिना सोचे समझे और मुझे गालियां दे रहे हैं, कॉल करके परेशान कर रहे हैं। अगर आपको भी इसी तरह से कोई परेशान कर रहा हो तो दीपावली की रात्रि को यह प्रचंड टोटका करके और उनको ऐसा सबक सिखाएं जो कि वो जिंदगी में याद रखें। इन दुष्टों के पास में सामने आने की तो ताकत है नहीं, कुछ नहीं तो कॉल करके ही परेशान कर लें, इनके लिए वही काफी है मेरे प्यारे मित्रों। लेकिन इन दुष्टों को क्या पता है कि हम किसके साथ में पंगा ले रहे हैं, किसको कॉल करके परेशान कर रहे हैं। मैं चुनौती के साथ में कहता हूं कि मैंने 25 साल के इस तंत्र मंत्र की लाइन में किसी के साथ कभी गलत नहीं सोचा और ना ही किसी के साथ गलत किया। लेकिन मुझे गलत करने पर मजबूर मत करें, अन्यथा इसका परिणाम ऐसा होगा कि आप जिंदगी में याद करेंगे। सालियो, बिना वजह किसी को परेशान करना, बिना वजह किसी के पीछे पड़ जाना, बस इतनी ही खूबियां आपके अंदर हैं। लेकिन मेरा दिमाग खटक गया तो सोच लो दिवाली की रात आपके लिए बहुत बड़ी महंगी पड़ जाएगी। तुम्हारे सालियो, जब तक जवान बेटे नहीं मरेंगे तब तक तुम्हारे होश ठिकाने नहीं आएंगे। ये याद रखना, जिस दिन मेरा दिमाग खटक गया उस दिन आपका यही हाल होगा। मेरे सब नजर में है कि कौन कौन से मेरे दुश्मन हैं और कौन कौन से मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ऐसा बैंड बजाऊंगा जिंदगी में याद रखेंगे, तुम्हारे घर में मातम छा जाएगा सालियो। इसलिए मैं कहता हूं कि या तो शांति से बैठ जाइए, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा, बहुत बुरा। मेरे प्यारे मित्रों, मैं तो परेशान है ही हूं, अगर मेरी तरह आप भी परेशान हैं तो आज मैं आपको एक ऐसा प्रचंड प्रयोग बताने जा रहा हूं कि इसे दीपावली की रात्रि को करके इन दुश्मनों का ऐसा बैंड बजाओ इनके घर में मातम छा जाना चाहिए, जो आपको बिना वजह परेशान कर रहे हैं, बिना वजह आपके पीछे पड़े हुए हैं, जिसका कोई भी रीजन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आपको चैन से खाने नहीं दे रहे, चैन से जीने नहीं दे रहे, तो इनकी ऐसी तैसी, इनकी मां बहन एक करो सालों की और इनके घर में मातम छा जाए, इनके घर में सालों की आग लगनी चाहिए। दुश्मन कभी भी अपना नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। और ये एक दूसरे का सपोर्ट करके, दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं, और इनके घर में जब मातम छाएगा तो इनका होश ठिकाने आ जाएगा, चुपचाप बैठ जाएंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रयोग को करने के लिए आपको क्या करना है थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। दीपावली की रात्रि आने वाली है, ज्यादा सोचा विचारी मत करना और दुश्मन ज्यादा ही परेशान करे तभी इस प्रयोग को करना। छोटी मोटी टेंशन के लिए तो मैं भी इजाजत नहीं दूंगा, ऐसे तो हजार आते हैं, हजार चले जाते हैं और आपको छोटे मोटी परेशानी देने वाले अपने आप ही साले ठिकाने लग जाएंगे। लेकिन ज्यादा ही आप उससे परेशान हो चुके हैं, आपकी जिंदगी और मौत का सवाल आ चुका है, तो ऐसे के घर में मातम छा जाना चाहिए, इसके लिए मेरी इजाजत है और खुल के करिए। इसके लिए मैं आपको एक ऐसी प्रचंड विधि बताऊंगा जो कि होगी शमशान में। हिम्मत करिए, आप जाइए शमशान में, चाहे आप अकेले जाइए, चाहे दो तीन लोगों को साथ में ले जाइए, रात्रि को 10-11 बजे जाइए और इस विधि को करिए। एक मिट्टी की हांडी उठाइए, आज मैं आपको पूरी विधि बता देता हूं, जिसको कहते हैं मुठ करनी। पहले के तांत्रिक किसी को जान से खत्म करने के लिए मुठ छोड़ते थे, पता है आपको, जिसको हमारे हिंदी भाषा में घात भी बोलते हैं, घात छोड़ करके उसके घर में मातम छा जाना, उसको जान से खत्म कर देना। लेकिन यह विधि जो मैं बताने जा रहा हूं यह जान से मारने के लिए नहीं है, लेकिन उसको मरने से ज्यादा बेहतर करने के लिए है। वो जिंदगी भर साला बिस्तर में पड़ा रहेगा या उसके घर में साला जवान बेटा मरेगा, आप टेंशन मत लीजिए। इस विधि को करने के लिए मिट्टी की हांडी लेके आइए और बकरा की कलेजी 1.25 किलो, याद रखना 1.25 किलो बकरा की कलेजी और एक इंग्लिश के दारू का पौआ, खूनी जायफल 5 और 5 देसी जायफल, लौंग, कपूर, बतासा, ये सब हांडी में जला करके और आप उसमें आग लगा दो, कलेजी दे दो शमशान के मशान को, ये शमशान का मशान काम करेगा, उसके घर में अगर मातम ना छा जाए तो मेरी 100% गारंटी है।
पहले शमशान में जाएं, कैसे भी वस्त्र धारण कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई आसन ले जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मिट्टी की हांडी, बकरा की सवा किलो कलेजी, एक दारू का पौआ, 5 अगरबत्ती, लौंग, कपूर, बतासे और 5 खूनी जायफल। सबसे पहले उस हांडी में शमशान में बैठ करके अग्नि प्रवेश करें। देसी जायफल पहले दें 5 लोगों को, 5 देव शक्तियों को, गांव की चामंडा माता जो तुम्हारे नंगर खेरे की होती है, और एक पथवारी माता को जिसको पथवार कहते हैं, तीसरा काली माता को, चौथा बगला मुखी को, और 5वां मरगटी के मसान को। यह ध्यान रखना, अगर शमशान में कर रहे हैं तो जो काली माता को देंगे तो शमशान काली को देंगे। 5 देसी जायफल देकर के इसी प्रकार से फिर खूनी जायफल दें, इसी प्रकार से फिर आप खूनी जायफल दें एक एक करके, फिर 1.25 किलो बकरा की कलेजी रख करके मसान को भोग दे दें। उसका भोग ये कलेजी और दारू है, आपको और कुछ नहीं करना है। इतना करने के बाद में अग्नि जला करके उसको सब देने के बाद में एक काला कपड़ा लेना है 1.5 मीटर के लगभग में, उसको बिछा करके जमीन पे शमशान में, उसके ऊपर हांडी रखनी है, और हांडी रखने के बाद में बस आपको 4 कदम दूर हट करके खड़ा हो जाना है, और खड़े होकर के वहां से आपको एक मंत्र का मात्र 41 बार जाप करना है। 41 बार जाप करने पे ही वो हांडी अपने आप ही उठते जाएगी, और हांडी जैसे ही जाएगी, जिसके नाम से आपने भेजी है, एक पर्चा ले लें, प्लेन कागज, प्लेन कागज पर उस दुश्मन का नाम लिख दें जिसको बर्बाद करना है, उसका नाम लेकर के उसकी माँ का नाम लिख दें, उसका एड्रेस परफेक्ट होना चाहिए, अगर परफेक्ट नहीं है तो उसके गांव का नाम पता होना चाहिए, ये लिख करके, और वो पर्ची भी उसी के अंदर डाल दें, हांडी के अंदर, चाहे वो जल जाए, आपका काम है डालने का, उसके अंदर डाल दो। मसान सब देख रहा है कि किसकी नाम की पर्ची मेरे पास आई है। वो अपना 1.25 किलो कलेजी और दारू का भोग लेकर के उस हांडी को उठा करके ले जाएगा, और उसके घर में जिसके नाम से आपने हांडी भेजी है उसके सिर पे जाके पटक के मार देगा। वो जिंदगी में याद करेगा कि किसी से मुझे पाला पड़ा, मैं किसी को क्यों परेशान कर रहा था, क्यों किसी को दुख दे रहा था। अगर वो मरेगा नहीं तो मरने से ज्यादा बेहतर हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए सारा बिस्तर में पड़ा रहेगा। मेरे प्यारे मित्रों, और मेरा माइंड खटकने वाला है, जो दुश्मन परेशान कर रहे हैं बिना वजह के, एक दूसरे तांत्रिक का सपोर्ट लेकर के, तो याद रखना कि मेरा दिमाग जिस दिन खटक गया, और खटकने ही वाला है, कि आज तक मैंने 25 साल के रिकॉर्ड में कभी गलत नहीं किया, लेकिन अगर मुझे गलत करने पर मजबूर करेंगे तो तुम्हारे घर में मातम ही छाएगा, मातम। याद रखना दोस्तों, तुम्हारे पास में इतनी ही हैसियत है और इतनी ही हिम्मत है जो कि आप कॉल करके किसी को परेशान करो। अगर हिम्मत है तो सामने आ जा, मेरे घर पे आ जा, या फिर अपना एड्रेस दे दे मुझे, तेरे घर पे आके तुझे मारूं, बोल। और ये जितने भी नंबर से मुझे परेशान कर रहे हैं, इनके खिलाफ आज मैं जा रहा हूं, कंप्लेंट करूंगा थाने में, उसके बाद में इनको उठवाऊंगा, और बाकी का कार्य मेरा रहा। इनके घर में क्या करना है मुझे पता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मंत्र जो है आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लेकिन दीपावली की रात्रि को दूंगा, अभी नहीं दूंगा। और जिनके पास मेरा नंबर है वो मुझे नंबर से संपर्क करके मांग सकते हैं, मैं उनको व्हाट्सएप पे लिख के भेज दूंगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रयोग को करने के लिए थोड़ी हिम्मत रखिए, अगर आपको वहां कोई खतरा होगा मेरी निगरानी में करें, मैं आपको ढेर अच्छा मंत्र ऐसा दूंगा जो कि जिंदगी में कोई भी शक्ति आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी, और आप हमेशा ये शमशान की क्रिया करते रहेंगे। तो आशा करता हूं मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।